For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 में अब तक कई झगड़े, दोस्ती और मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखी जा चुकी हैं। बिग बॉस के हर सीजन में एक लड़ाई, एक दोस्ती ऐसी होती है जिसे फैंस शो के खत्म होने तक या यूं कहें कि शो के खत्म होने के बाद भी याद रखते हैं। और इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। दोनों शो की शुरुआत से ही एक साथ रह रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले आसिम, सिद्धार्थ, आरती और शहनाज का भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप इस शो में देखा जा चुका है, लेकिन शहनाज और सिद्धार्थ के बीच की लड़ाई के बाद ग्रुप टूट गया। ग्रुप के अलग होने के बाद सिर्फ आसिम और सिद्धार्थ एक साथ रह गए। सिद्धार्थ ने पहले कहा था कि वो शहनाज गिल पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन कल दोनों ने पैचअप कर लिया जिसका आसिम रियाज को बहुत बुरा लगा। मेकर्स द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक प्रोमो में हम आसिम को सिद्धार्थ के साथ बहस करते हुए देखेंगे और आरती आसिम से कहती नजर आएंगी कि वो एक बार फिर दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रही है। आसिम को गुस्सा आ जाएगा जबकि दूसरे उसे शांत कराने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं आसिम सिद्धार्थ पर चिल्लाते हुए कहेंगे कि उसने कहा था कि वो शहनाज पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। सिद्धार्थ के अचानक सब कुछ भूल जाने पर आसिम सिद्धार्थ से सवाल करेंगे। अब ये देखने लायक होगा कि सिद्धार्थ आज उस पर क्या रिएक्शन देंगे और उनका अगला कदम क्या होगा। वहीं प्रोमो देखकर ये भी लग रहा है कि घर में आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती जल्द ही खत्म होने वाली है। वेल, आपको बता दें कि अगर ये दोस्ती टूटती है तो फैंस बहुत निराश होंगे और हम भी चाहते हैं कि दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर एक साथ वापस आ जाएं। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.